बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मायावती ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस के जमाने से मुस्लिम शोषित उपेक्षित रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी शासन में इनके दमन का खेल जारी है। मायावती ने आगे कहा कि ये अति दुखद व निंदनीय है। यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की नज़र टेढ़ी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मायावती ने कहा कि निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित है, सरकारी मदरसों स्कूलों की हालत का सुधार करे सरकार, मायावती ने मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के शोषित उपेक्षित व दंगा पीड़ित होने की आद की शिकायत कांग्रेस के जमाने में आम रही है, फिर भी बीजेपी द्वारा तुष्टिकरण के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व आतंकती करने का खेल जारी है, अति दुखद व निंदनीय है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अगला ट्वीट करते हुए लिखा कि इसी क्रम में अब यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की नज़र टेढ़ी है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाली निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित, जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों व सरकारी स्कूलों के बदतर हालत को सुधारने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।